किया गया इसकी जानकारी। हाँ, मेरा नाम लेखराज ठाकुर, मैं उधमपुर नान गजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हमारी बंड स्ट्राइक है, जिसमें से हमारे कश्मीर में दो हमारे फॉरेस्ट एम्प्लॉई हैं, एक तो इंजर हुए हैं, एक की तो डेथ हुई है, उन पर अटैक हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है। तो हमारी उसके रिगार्डिंग आज कंडोलेंस मीटिंग भी है, और बंडे जो हमने स्ट्राइक रखी है, ये पूरे ऑल जे एंड के में हमारे जितना भी नान गजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर में जो स्टाफ है उनकी तरफ से है, और ये डिवीजन लेवल पर हर जगह हो रही है। तो हम ये गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जो आने वाला दौर जो है वो हमारे एम्प्लाई के लिए अच्छा नहीं है। हमने अपना बकर निकाला, जैसे तैसे भी विदाउट वेपन के हम लोग अपने अपनी नौकरियां कर रहे हैं, और 24 घंटे की हमारी जॉब है, जिसमें से उस हिसाब से हमारी ना कोई ढाई दिन की पे मिल रही है, ना कोई हमारे कोई रिस्क अलाउंस हैं, और ना ही हमारे पास कोई ऐसे वेपन हैं जिसमें से हम डे नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी हमारी होती है। और आज वही चीज़ हम बार बार लिखते हुए भी हमारे साथ बेइंसाफ होता आया है, और जिसका अंजाम आज ये हुआ है कि हमारे दो एम्प्लाई जो हैं, एक तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ भी हो गई है, और दूसरे जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी क्या डिमांड करते हैं? अभी हम यही डिमांड करते हैं कि उनकी जो फैमिली है उनको जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिलना चाहिए, और बाकी जो आने वाला स्टाफ जो है उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनको वेपन मिलने चाहिए, उनको ढाई दिन की पे मिलनी चाहिए, उनके जो रिस्क अलाउंसेस हैं वो जल्दी से जल्दी हमें दिए जाएं। अदरवाइज़ हमारा जो फॉरेस्ट जो नॉन गजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर स्टाफ जो फील्ड में काम जो कर रहा है वो रिस्क से, वो किसी खतरे से खाली नहीं है, और कल को कोई और हैपनिंग होती है तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी।